किस प्रोडक्ट में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहां कहां उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी, कैसे आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके 5 लाख रुपए कमाएंगे। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर कमा के भारत में लेके आते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव और बेनिफिट आपको देती है। जब आपके पास में सस्ता आपके पास स्टॉक है तब आप उसको महंगे रेट में बेचेंगे, कैसे पूरा आगे आपको बताने वाला हूँ। वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है क्वांटिटी, उसमें सेम ही आता है। आइए मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ, आइए आइए मेरे साथ में आइए, इधर से दिखाइए, देखिए। व्हिच बिजनेस इज प्रॉफिटेबल इन इंडिया, भारत में कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो वो सारी चीज आपको बताने वाला हूं। वैसे तो बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल है, पर किस प्रोडक्ट में आपको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है और किस प्रोडक्ट में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहां कहां उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी, कैसे आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके 5 लाख रुपए कमाएंगे वो भी हर महीने, पूरा डिटेल स्टडी इसी वीडियो में आपके लिए लेके आऊं। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। चलो प्रोडक्ट का नाम ही रिवील कर देते हैं, टोमैटोर। ये आपको लगेगा सर टमाटर के रेट तो बहुत बड़े हुए इंडिया में, दिल्ली में 100 रुपीज केजी तक भी रिटेल में बिक रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। यही तो टाइम है कि जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जब आपके पास में सस्ता अपने पास स्टॉक है तब आप उसको महंगे रेट में बेचेंगे, कैसे पूरा आगे आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये देख लीजिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर कमा के भारत में लेके आते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव और बेनिफिट आपको देती है। तो वो गवर्नमेंट के इंसेंटिव और बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं टोमेटो के केस में, टमाटर के केस में, सो आपको DBK मिलता है जो कि आपको 0.15% मिल रहा है, 0.15% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, जितना भी कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू है उसका 0.15% आपको DBK मिल रहा है। अगर मैं IES की बात करूं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो 3% का मिल रहा है आपको, अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है, और MSME में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 0% का मिल रहा है। RODDP की बात करूं, नेक्स्ट बेनिफिट की, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो वो RODDP आपको इसमें जबरदस्त मिल रहा है। 4% ऑफ योर FOB वैल्यू, जितना भी आपका FOB वैल्यू है उसका सीधा सीधा 4% आपको RODDP मिल रहा है। कैसे आप 5 लाख रुपए कमाएंगे ऑर्गेनिक टमाटो एक्सपोर्ट करके, तो जब आप ऑर्गेनिक टमाटो इंडिया से खरीदते हैं, भारत से, हिंदुस्तान से, तो वो 80 रुपए से 100 रुपए पर केजी आपको मिल जाता है। मैं मैक्सिमम प्राइस भी लेता हूं कि 100 रुपीज केजी आप ऑर्गेनिक टमाटर ले रहे हैं, वैसे तो भी नॉर्मल टमाटर का भी रेट 100 रुपीज केजी, 80 रुपीज केजी इस रेंज में चल रहा है, लेकिन जब बल्क में आप ऑर्गेनिक टमाटर खरीदते हैं तो आपको 100 रुपीज तक का रेट बढ़िया आपको मिल जा रहा है, और 15 टन आपने माल खरीद लिया तो आपका 15 ही लाख रुपए का बन जाता है। और 1 लाख रुपए हम हमेशा लिखते हैं जो हमारे चुटर मुटर खर्चे होते हैं, जैसे लोडिंग का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, CHA का खर्चा, ये सब खर्चे कभी 80,000, कभी 1 लाख, कभी 1,20,000, तो हम ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए लिख लेते हैं, ताकि मैं आपको ये आसान भाषा में समझा सकूं कैलकुलेशन। गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट जो अभी मैं बताए वो भी मिलते हैं, जैसे DBK मिलता है, RODDP मिलता है, तो टोटल 4.15% के टोटल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। सर रुपीज में बताइए, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो 62,000 रुपीज के आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ही मिलते हैं। अब ये फाइनल बाइंग प्राइस क्या हो जाता है मेरा, यहाँ पे आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो जाएगा 15 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा था, प्लस 1 लाख रुपए जो आपके खर्चे होने वाले, माइनस 62,000 रुपीज जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको एज ए इंसेंटिव और बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, इज इक्वल्स टू हो जाता है 15.37 लाख रुपीज जो आपका फाइनल बाइंग प्राइस हुआ, यानी 100 रुपए का आपने खरीदा और 103 रुपए का आपका फाइनल आपका FOB प्राइस हो जाता है, जो लास्ट तक ले जाने तक का पूरा खर्चा है। अब इसमें इसका FOB प्राइस क्या चल रहा है, क्या इसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, जो हमारी टेक्निकल टीम घंटों रिसर्च करके डिफरेंट वेबसाइट, पेड वेबसाइट, फ्री वेबसाइट, ये वेबसाइट, वो वेबसाइट, ये इधर उधर से सब डाटा इकट्ठा करती है, सब आपके लिए रिसर्च करते हैं हम, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आप कम टाइम में बहुत ज्यादा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ले सके और आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सके। सो अगर आपको हमारी टीम का काम अच्छा लगता है तो आप लिखिए #teamwork, आप ऐसे लिखेंगे मुझे पता चल जाएगा कि आपको हमारी टीम का वर्क पसंद आता है। सो जब यहां से हमारी टीम ने रिसर्च किया कि टमाटर का रेट क्या चल रहा है FOB प्राइस, तो वो रेट चल रहा है 140 रुपए से लेके 190 रुपए तक पर केजी, तो हम एक मिनिमम प्राइस भी लेके चलते हैं कि 140 रुपए केजी आपने इसको एक्सपोर्ट किया और 15 टन का जो आपका LCL कार्गो था वो आपने निकाल दिया, वो आपका एक्सपोर्ट हो गया, तो वो 21 लाख रुपए का आपका शिपमेंट चला जाता है। सो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया,
धैर्य रखिए, वो भी आपको बताता हूं। आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 21 लाख रुपए जितने में आपने बेचा, माइनस 15.37 लाख रुपीज जो आपका फाइनल बाइंग प्राइस था, इज इक्वल्स टू हो जाता है 5.62 लाख रुपीज। यानी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी 5 लाख रुपए कमा सकता है टमाटर को एक्सपोर्ट करके, वो भी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिमांड बढ़ती जा रही है, ये आपको भी बताया। कहां बढ़ रही है डिमांड सर, वो भी आपको टॉप 5 कंट्री बताता हूं जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। सो यूएसए ने लास्ट ईयर भारत से 1,85,648 शिपमेंट्स इंपोर्ट किए हैं एज पर वोल्जा डाटा। अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया ने भी 1,37,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए टमाटर के, यूक्रेन ने 92,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए, पाकिस्तान ने 45,000 पूरे वर्ल्ड से इंपोर्ट किए, मालदीव ने भी 41,000 बाकी सभी कंट्री से इंपोर्ट किया है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एचएस कोड की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेजिटेबल 07 नंबर चैप्टर में आता है, 02 इसका सब चैप्टर है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 07020011। इसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट के प्रोसेस की बात करूं तो सभी प्रोडक्ट के लिए सेम होता है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, फिर आपको बायर फाइंड करना है। बायर फाइंड करने के लिए टोटल 15 मेथड्स आपको ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं, वो सारे आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। फिर आपको बायर को वेरीफाई करना है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, वो जो ट्रेनिंग में सारा आपको सिखा रखा है वो सारा आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। फिर आपको बायर को कन्विंस करना चाहिए कि भाई व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपसे मैं क्यों खरीदूं, मैं तो उससे खरीद रहा हूं, अब मैं नया आपसे क्यों खरीदूं, आपका क्या यूएसपी है, क्या आपका प्राइस बहुत अच्छा, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, ऐसा आप में यूनिक क्या है जो आपका यूएसपी क्लास में रेडी कराते हो ट्रेनिंग के दौरान, वो सारा आप यहां इंप्लीमेंट कर दीजिए, बायर हो जाएगा कन्विंस। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप एलसी भी ले सकते हैं, उधारी में भी दे सकते हैं, एडवांस में भी पैसा ले सकते हैं, और जब आपका पैसा आ जाए, पेमेंट आ जाए, तब उसका कर दीजिए बीआरसी, जो कि आजकल होता है ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि आजकल उसका एडवांस वर्जन भी आने लगा, जिसको बोलते हैं IRMS, इनवर्ट रेमिटेंस मैसेज। अब अगर मैं बात करूं ईपीसी की, बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगेगी, तो मेरे से पहले तो आप ही बता देंगे सर इसमें तो अपेड़ा लगेगी, खाने पीने की चीजें हैं, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र 5,900 रुपए देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है टर्की, हम नंबर 2 पे आते हैं। टर्की ने लास्ट ईयर 280,170 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं ऑर्गेनिक टमाटर के एज पर वोल्जा डाटा। भारत ने भी 1,86,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए, इटली ने 1,30,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए, यूएसए ने भी 1,00,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए, चाइना ने 84,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि बिजनेस में आना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, जो ग्रो करना चाहता है, अपनी वेल्थ को आगे लेके जाना चाहता है, जो जल्दी क्रिएट करना चाहता है वेल्थ को, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in और यू कैन कॉल अस ऑन 888-235-7058 और 9014582523। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल नाउ।